हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्न पे हमने अपनी चैप्टर 9 को स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज 9.1 को। तो आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था करने को, फर्स्ट वाला। अब आपने, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो आपने इसके टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे होंगे। 149 के निकालते हैं, 148 तक मैंने बताए थे। 149 के कितने स्टूडेंट्स हैं? वन, एक ही है, एक और एक, ठीक है। अब आएंगे 149 के 150, एक, वन, टू, थ्री, तो थ्री है, तो इधर वन टू थ्री, तो ये हो गए थ्री। 149 के बाद आएंगे आपके, वो 150 के बाद 151, एक, वन फिफ्टी वन का भी एक ही है, वन वन, ठीक है। अब 150 के बाद 152, तो कितने, एक, दो, दो है स्टूडेंट्स, तो ये कितने आएंगे, वन टू टू। 153 में देखेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ऐसे हम करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव। 154 में देखेंगे, वन टू थ्री, थ्री है तो वन टू थ्री थ्री। 155 में चेक करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये हो गए सेवन। 156 में, वन टू, तो ये है टू। 157 में चेक करेंगे, वन टू, तो ये है टू, तो ये आ गए। अब हम टोटल कर लेंगे इन सबको रीचेक करने के लिए कि 30 के बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो टू, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन प्लस फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, नाइनटीन प्लस सेवन ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी, तो ये 30 के बराबर हो गए। तो हमारी पूरी टैली भी सही है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, तो 10 में से 40 बच्चों के मार्क्स हैं। जैसे स्टूडेंट एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, एक 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ किसी इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो उसमें सबके मार्क्स आए। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, तो हमें क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है टैली मार्क्स से। तो मिनिमम तो मुझे 1 दिख रहा है, 0 किसी के है नहीं, और मैक्सिमम 9 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये होंगे मार्क्स। इधर हो गए हमारे टैली और इधर होंगे फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स आए इतने, ठीक है। तो वन कितनों के आए, ये देखिए हम देखेंगे, एक, दो, दो बच्चों के आए, तो टू इधर लिखेंगे हम, टू, दो बच्चों के, टू मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक दो तीन चार, तो फोर बच्चों के, नंबर ऑफ स्टूडेंट फोर। थ्री कितनों के आए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्टूडेंट्स के आए, वन टू थ्री फोर फाइव। फोर कितने बच्चों के आए, वन टू थ्री फोर, तो चार बच्चों के चार आए हैं। फाइव कितने बच्चों के आए, वन टू थ्री फोर
5, तो 5 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं। 6 कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी 5 बच्चों के आए हैं। 7 कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये 4 बच्चों के आए हैं। 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 बच्चों के आए हैं। और 9 कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये 4 बच्चों के 9 मार्क्स आए। इसको हम टैली करेंगे, ये टोटल 40 के बराबर होना चाहिए। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 25, 25 और 4 29, 29, 29 प्लस 6 35 प्लस 4 39, एक की हमने कहीं मिस्टेक करी है, टोटल 40 नहीं आ रहा, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा फिर से। 1 बच्चे के हैं, 2 बच्चों के हैं, एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ आपको। स्टूडेंट जो 5 हैं वो 6 स्टूडेंट के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएंगे 6, तो ये हो गया 6, अब इनका टोटल आया 40, ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे 40 आया, तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं। हाउ मॉन, अभी इसमें क्वेश्चन पूछा है सेकेंड का फर्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 6, 6 कितने बच्चों के आए हैं 6 से कम, तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे। 6 से कम, ये 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, कितने बच्चों के आए? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 21, 21 स्टूडेंट्स के 6 से बिलो है। सेकेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स अबव 6, 6 से अबव कितने स्टूडेंट्स के हैं? 6 प्लस 4 10 और 4 14, 14 स्टूडेंट्स के। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 4, 4 और 4 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स के हैं? तो ये वाला भी हम इंक्लूड करेंगे, तो ये सब वे ये आ जाएंगे, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 20, 20 और 9, 29 स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या पूछा है, इन अ सर्वे ऑफ 30 फैमिली ऑफ लोकेलिटी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली वॉज नोटेड, ठीक है, 30 फैमिली से पूछा गया कि आपके घर में कितने चिल्ड्रन हैं, तो उन सबने अपना अपना सर्वे दिया। अरेंज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन अबव इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, तो आपको टैली मार्क्स की हेल्प से इन सबको अरेंज करना है, ठीक है, तो मेनली 1, 2 और 3 ही चिल्ड्रन है, तो 1, 2 एंड 3, तो 1 कितनी फैमिली में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फैमिली में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 फैमिली में। सेकेंड देखो, 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिली में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 फैमिली में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, तो ये हो गई टैली, ये हो गई फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, और ये हो गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो एक टैली टेबल में ये लिख दिया हमने। फोर्थ, द सेल ऑफ बाइसिकल इन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो, ठीक है, तो मतलब एक साइन का मतलब है 10 बाइसाइकिल सोल्ड हुई, तो मंडे को कितनी साइकिल सोल्ड हुई, 10, 20, 30, 40, ट्यूसडे को 10, 20, 30, 30 बाइकिल 30 बाइसाइकिल सोल्ड हुई, वेडनेसडे को 10, 20, 30, 40, 40 साइकिल सोल्ड हुई, थर्सडे को 20 सोल्ड हुई, फ्राइडे को 10, 20, 30, 40 सोल्ड हुई, और सैटरडे को 10, 20, 30, 40, 50, 60 बाइसाइकिल सोल्ड हुई, तो उसी इसी को देखते हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है,
ऑन विच डे ऑफ द वीक मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल वॉज सोल्ड, तो कौन से डे सबसे ज्यादा सोल्ड हुई थी, वो था सैटरडे, फोर्थ का फर्स्ट, क्या आया सैटरडे, कितनी सोल्ड हुई 60, ठीक है। ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल वर सोल्ड, तो थर्सडे को मिनिमम कितनी सोल्ड हुई 20, तो हम लिखेंगे थर्सडे कितनी हुई 20। हाउ मेनी बाइसाइकिल वर सोल्ड ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को कितनी हुई 10, 20, 30, तो 30 बाइसाइकिल। ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, उसमें बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर बाय कंपनी इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ईयर, तो जो ईयर होता है उसके जो फर्स्ट 6 मंथ में कितने बल्ब एक कंपनी ने बनाए, तो जनवरी में उन्होंने बनाए, एक बल्ब रिप्रेजेंट करता है 1000 बल्ब, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 बल्ब जनवरी में, 3000 फरवरी में, 1, 2, 3, 4, 5, 7000 मार्च में, अप्रैल में 3000, मई में 1000 और जून में 5000 बनाए। हाउ मेनी बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितने बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6000 बल्ब मार्च में बनाए, 6000 बल्ब्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑन विच ऑफ द टू मंथ सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर मैन्युफैक्चर, सेम कहां का मैन्युफैक्चर हुए, फरवरी और मार्च में, फरवरी और अप्रैल में, सॉरी एंड अप्रैल। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑन विच मंथ मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर मैन्युफैक्चर, तो किसमें हुए थे मई में, तो आंसर आएगा मई। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई, सिंपल सी है। ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज 9.2, 3 एंड 4 है, नेक्स्ट क्लास में हम 9.2 स्टार्ट करेंगे और उसे भी जल्दी से फिनिश करेंगे। सो थैंक यू।